अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको तो खैर बखूबी मालूम ही होगा, मकबूज़ा कश्मीर के अंदर रियाज नाइको हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी चीफ कमांडर थे, ऑपरेशनल चीफ कमांडर थे, उनको शहीद हुए, 24 घंटे से ज़ायद का अर्सा हो गया। और कश्मीर के अंदर जो हालात हैं इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। इंडियन फोर्सेस ने ये तहिया कर लिया हुआ है कि वो बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों और दूसरे असले समेत आबादियों पर चार दौड़ेगी, और जहाँ भी उन्हें कोई भी ज़रा भी खबर मिलेगी किसी मुजाहिद के बारे में तो पूरी की पूरी आबादियों के घर मिसमार कर रहे हैं, आबादियों में लोगों को जाकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। शायद इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोच लिया है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, कि इस तरह डराने धमकाने से कश्मीरियों के हौसले पस्त हो जाएंगे, तो ऐसा नामुमकिन है। क्योंकि जो अंदर से खबरें आ रही हैं, कल जो अवंतीपुरा के अंदर बिगबुरा गाँव के अंदर जो नौजवान लड़कों ने, जो यूथ ने इंडियन टैंकों के ऊपर कब्जा किया है, उसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है। अब मिलिट्री ये सोचने पर मजबूर हो गई है। ये आप कभी याद करें तो वही हालात थे जो अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया दाखिल हुआ तो अफगान मुजाहिदीन नहाते थे उस वक्त। एग्जैक्ट यही उन्होंने यही किया कि सरों की चादरें, पत्थर उठा के उन्होंने मारे, चैन के अंदर दिए, टैंक रोके, ये गाड़ियों के ऊपर कब्जा किया। ये आज वही सूरत हाल पैदा हो गई है। जैसा कि रियाज नाइको भाई कह रहे थे कश्मीरों से अपने लास्ट पैगाम में, जो उन्होंने 11 मार्च को 2020 को दिया था, कि उठो, हम लोग जब तक कश्मीरी खुद नहीं उठेंगे, कभी अक़वामे मुत्तहिदा को देखेंगे, कभी पाकिस्तान को देखेंगे, अल्लाह ताला उसको उनकी मदद नहीं करता। ये उनका आखिरी पैगाम था कि जो कौम अपनी मदद आप नहीं करती, तो वो मेरा ख्याल है कश्मीरियों ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कह दिया। और जैसे उनकी शहादत की खबर मिली है तो वो तो फिर सारे उठ के निकल खड़े हो गए हैं। और ये बहुत बड़ी खबर थी पिछली 20 साल कश्मीर की जदोजहद आज़ादी की तारीख में, कि नहाते लोगों ने इंडियन आर्मी के टैंकों के ऊपर कब्जा कर लिया और ये बुजदिल फौज चूँ की तरह भाग के वहाँ से निकल के छुप गए वहाँ पे आके। इस वक्त मामला ये नहीं था, कश्मीरियों ने जो कुछ करना था उन्होंने करके दिखा दिया। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की, पाकिस्तानी आवाम की, पाकिस्तानी मीडिया की और सोशल मीडिया के दोस्तों की, सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएँ। सोशल मीडिया से मुझे बात याद आ गई, कल से फेसबुक के ऊपर, चूँकि इंडियन ज़्यादातर हैं इस फेसबुक की इंतज़ामिया के अंदर, एशिया के अंदर, तो उनका असर रसूख भी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। उन्होंने रियाज नाइको के नाम पे कोई वीडियो, पिक्चर, कोई मैसेज, जिस अकाउंट से भी पोस्ट होता है उसको सस्पेंड तो नहीं खैर करा रहे, उसकी 1 महीने के लिए पोस्टिंग बंद करा रहे हैं वार्निंग के बाद। तो दूसरे जो बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे दोस्तों सबसे अपील है कि रियाज नाइको भाई की शहादत को भी हैशटैग बना के यूज़ करें ट्विटर के ऊपर, और उनके बारे में भी पोस्ट लगाएं, और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को सपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम जितनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है उठाएँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। मेरी इस वीडियो का यही मकसद था कि थोड़ा सा पैगाम आप तक पहुँच जाए, ताकि आपको कश्मीर की अंदरूनी सूरत हाल का पता चल जाए कि इस वक्त काम जैसे मुजफ्फर वानी शहीद के बाद नौजवान यूथ जो कश्मीर के अंदर वो तहरीक के अंदर शामिल हुई थी, अब उससे भी ज़्यादा रफ्तार से लोग अंदर कश्मीरी की तहरीक के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और ये इंडिया को थोड़े अरसे बाद इसका एहसास होगा कि उसने कितना बड़ा ब्लंडर कर लिया है और उसने कहाँ पे हाथ डाल दिया। इंशाल्लाह इंडिया को जल्दी सबक सिखाने का बस अब वक्त आ गया, और जितना हो सके कश्मीर की आवाज़ को सपोर्ट करें, कश्मीरियों की आवाज़ को सपोर्ट दें आप लोग। यही इस वक्त हम लोग यहाँ से पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं, बजाय इसके के खामोशी इख्तियार करें। एक मुजरमाना खामोशी होगी, यहाँ पे भी मुजरम है और अल्लाह ताला के यहाँ पे मुजरम है। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया।